हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ प्रिया लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी किचन में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? आज बन रहा है चाउमीन या नूडल्स, कुछ भी बोलिए। तो चाउमीन बनाने के लिए मेरे पास मतलब ज़्यादा सब्जी नहीं था, जैसे कि गाजर, बीन्स, ये सब। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा आलू डाल के और जो आधा मेरे पास शिमला मिर्च बचा था और फ्रोजन मटर मैं रखती हूँ, तो वही मटर से और जो है अंडा से आज का चाउमीन मैं बना रही हूँ। सिंपल सा ही है और इसमें मैं कुछ सॉस वगैरह नहीं दूँगी क्योंकि हस्बैंड जी को पसंद नहीं है। और मैं जो चाउमीन बना रही हूँ, थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो जी हाँ, आज 3 जन के लिए नहीं, 4 जन के लिए मैं बना रही हूँ चाउमीन। तो आज जो है वो जो मेरे फ्रेंड है, एक उसका हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं, तो वो हस्बैंड जी जो उसे दादा कहती हूँ मैं, तो वो दादा जो है आने वाले हैं, तो उनको हमने बुलाया है सुबह सुबह ही। तो दादा का छुट्टी था तो इसीलिए मतलब बुलाए हैं, तो दादा भी आएंगे यहाँ पे जो है नाश्ता करेंगे एक साथ में। तो क्यों आएंगे, तो मतलब कल जो हुआ था यहाँ पे आंधी तूफान, बिजली भी कड़का था, तो जिसके वजह से जो है हमारे इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। पता नहीं क्या हुआ, अजीब सा आवाज़ हो रहा था और मतलब लाइट भी चले गए, तो इसीलिए कल भी बुलाए थे। कल तो आए थे लेकिन कल जो है दादा खोल के सब चेक किया था लेकिन ठीक नहीं कर पाए। तो आज जो है इसीलिए हस्बैंड जी भी छुट्टी कर लिया है, ऑफिस नहीं गए हैं, तो हस्बैंड जी और जो दादा दोनों मिल के जाएंगे इन्वर्टर को सही करने के लिए। और इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके ही बना लिया कि हम दादा को भी बुला लिया, तो दादा यहीं पे आ जाएंगे। अभी तो नहीं आए हैं, जब आएंगे तब जो है उनको भी दे देंगे। अभी फ़िलहाल बापी और हस्बैंड जी को दे देते हैं। और हस्बैंड जी को ज़्यादा सॉस अगर पसंद नहीं है तो मैं इसी तरह से सादा सादा मतलब चाउमीन बनाती हूँ, और बापी को सॉस पसंद है तो ऊपर से उसे इस तरह से सॉस दे देती हूँ। तो इधर देखिए, इन्वर्टर का हालत देख सकते हैं, बहुत ही बुरा हालत में पड़ा है बेचारा। तो वो कल जैसे ही मतलब बिजली करका ना, तो जिसके बाद जो है इन्वर्टर से एक अजीब सा आवाज़ निकल के आ रहा था, तो हस्बैंड जी तो घर में नहीं था, ऑफिस में था, तो हमने जो है दादा को फ़ोन करके बुलाए थे क्योंकि दादा का भी कल छुट्टी था। तो दादा आके खोल के चेक कर रहे थे, और दादा भी जो है इलेक्ट्रिकली काम करते हैं, तो दादा खोल के चेक करने के बाद दादा कुछ मतलब ठीक नहीं कर पाए, तो इसलिए ऐसे ही खोल के रखा है क्योंकि आज सुबह जो है नाश्ता वगैरह हो जाएगा। तो नाश्ता हो जाने के बाद जो है हस्बैंड जी और जो दादा दोनों मिलके ले जाएंगे। और इधर देखिए, इन्वर्टर तो ख़राब हुआ ही हुआ लेकिन यहाँ पे भी देखिए एक मतलब स्विच बोर्ड है, तो यहाँ से जो है कूलर का कनेक्शन दिया है। और रात को कल जो है 12 बजे के बाद लाइट आया, तो जैसे ही लाइट आया हस्बैंड जी जो है कूलर चालू करने गया क्योंकि गर्मी हो रहा था। तो जैसे ही मतलब स्विच ऑन किया ना, तो मतलब यहाँ पे लग गया था आग और सब स्विच बोर्ड वगैरह सब जल गया। देख सकते हैं हालत एकदम बहुत ही ख़राब हो गया, काला काला हो गया। तो दादा जो है सबसे पहले ये मतलब इसको चेंज कर दिया है। और जो बिजली करका था ना, ये मतलब एकदम खिड़की के पास में ही जो है बहुत ज़ोर से बिजली करका था। तो अभी देखिए, मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी चल रहा है और सुबह का जितना भी काम काज था सब हो गया था। हस्बैंड जी और दादा दोनों चले गए थे इन्वर्टर को लेके सही करने के लिए, दुकान में देकर आए हैं, शाम को देगा बोले हैं। तो वहाँ से जो है किसी दोस्त के साथ मिल गए थे वहाँ पे, तो गए थे दोस्त के घर, तो वहाँ पे देखिए उनके घर के पास में जो है इस तरह से हिंचे साग हुआ था। इसे हिंचे साग बोलते हैं, तो हिंदी में कौन सा साग बोलते हैं हमें पता नहीं है। ये इस तरह से साग को जो है हम लोग बंगाली लोग खाते हैं, और ये जो हिंचे साग है खाना बहुत ही हेल्दी होता है, और लेकिन मतलब मार्केट में भी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो इसीलिए हस्बैंड जी को जैसे ही देखने को मिला तो उठा के लेकर आ गए हैं, तो ऐसे ही छीर के लेकर आए हैं, देख सकते बड़ा बड़ा है। तो इसे जो नरम नरम पत्ता है मैं इस तरह से ले लूँगी, और इसे जो है मैं अभी आलू बैंगन ये सब डाल के जो है सब्जी बनाऊँगी। तो साग को साफ करने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो है अभी मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मतलब हस्बैंड जी लेकर आए हैं बतख का मीट, जिसे हाँस मांस बोलते हैं, तो उसी को मैं साफ करके धो लिया है, मसाला कर लिया है। और इधर जो है आलू भी मैं फ्राई कर रही हूँ। बंगाली होके चिकन मटन में आलू ना दे ऐसा नहीं हो सकता है। तो आलू को फ्राई करके निकालने के बाद यहाँ पे गरम मसाला दे के मसाला को मैं फ्राई करूँगी। सब मसाला हमने पहले से ही कर लिया था, और जहाँ पे मतलब हस्बैंड जी गए थे ना दोस्त के वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे मतलब बतख मिल रहा था, तो जो पूरा सबूत बतख को ले लेना है और उसे जो है काटने के लिए 50 रुपये अलग से देना पड़े।
इस तरह से जो है काट के लेकर आए हैं। और ये जो पूरा बतख है, मतलब 1 केजी इतना है, 1 केजी 200 ग्राम के करीब हुआ था, तो पूरा बतख जो है मतलब 500 रुपये ऐसे ही मतलब बिक्री हो रहा था उधर इस तरह से, तो 500 रुपये लिया और 50 रुपये काटाने के लिए। तो लेकर आए हैं, देखते हैं। मैं तो बतख मतलब क्योंकि बचपन से खाती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में तो है, लेकिन पता नहीं हस्बैंड जी खाते हैं कि नहीं मतलब, लेकिन लेकर आए हैं, हो सकता है खाते ही होंगे। और दादा भी जो है आज हमारे साथ खाएंगे, तो दादा भी घर चले गए हैं, और दादा का भी थोड़ा बहुत कुछ काम था तो दादा घर चले गए हैं। तो मैं अभी दोपहर का खाना बना रही हूँ, तो आज खाने में यही बनेगा जो है बतख का मीट, मतलब चिकन ही बोल सकते हैं, और जो है उस साग का सब्जी हमने बनाया है। तो इधर देखिए हमारा बतख भी बन गया था, तो मैंने इसे जो है ना गैस का फ्लेम को स्लो करके 3 से 4 सीटी दिया, तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो हमारा अभी दोपहर का लंच जो है बनके रेडी है, हम लोग दादा आएंगे तो लंच भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी शाम के टाइम है, देखिए अभी चल रहा है हम लोगों का आइसक्रीम पार्टी। दोपहर को खाना खाने के बाद और कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि हम भी थोड़ा सा सो गए थे। तो इस तरह से सुबह जो है हस्बैंड जी आइसक्रीम का जो बाड़ है वो लेकर आए थे, तो अभी तीनों मिलकर ही अभी आइसक्रीम खा रहे हैं, क्योंकि दादा जो है दोपहर को खाना खाने के बाद चले गए हैं घर, तो अभी तीनों मिलकर ही खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो का ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।